नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी IPL को विश्व का सर्वश्रेष्ठ लीग मानते हो? तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो। दोस्तों 23 मार्च शाम 7:30 बजे KKR और SRH के बीच IPL 2024 का तीसरा मैच खेला गया। श्रेयस अय्यर ने सिक्का उछाला और पैट कमिंस ने बॉलिंग करने का फैसला किया। दोनों टीम की प्लेइंग 11 दोस्तों कुछ इस प्रकार के रही, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों KKR की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे फिल सॉल्ट और सुनील नारायण। भूबी के पहले ही गेंद में फिल सॉल्ट ने एक सिंगल लेकर अपना खाता खोला। पहले ओवर में बस 3 रन ही आए। दूसरे ओवर के तीसरे और चौथे गेंद पर और पांचवें गेंद पर लगातार 3 छक्के जड़कर फिल सॉल्ट ने मार्को जॉनसन को एक ताबड़तोड़ आग दिखाई। और अंतिम गेंद में दोस्तों शहबाज अहमद के डायरेक्ट थ्रो के चलते सुनील नारायण रन आउट हो गए। फिर दोस्तों चौथे ओवर में एक चौके के साथ 7 रन बनाकर वेंकटेश अय्यर भी टी नटराजन के हाथों चल बैठे। और सेम ही ओवर में कप्तान भी डॉक होके चल बैठे ड्रेसिंग रूम की ओर। पावर प्ले खत्म होते होते KKR ने बना डाले 43 रन, वो भी दोस्तों 3 विकेट गवाकर। फिर आगे के ओवर में नीतीश राणा 9 रन बनाकर आउट हुए और 10 ओवर खत्म होते होते KKR ने 4 विकेट गवाकर 77 रन बना डाले। फिर दोस्तों रमनदीप सिंह फील्ड शॉट के साथ पारी को संभाला, लेकिन 13वें ओवर के पहले ही गेंद पर रमनदीप सिंह पैट कमिंस को अपना विकेट दे बैठे। रमनदीप ने 17 गेंदों में 35 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। फिर 14वें ओवर में 5वें गेंद पर फील्ड शॉट भी अर्धशतक पारी खेलकर मार्कंडे के हाथों आउट हो गए। फिर स्टार्ट हुआ रिंकू सिंह और अंद्रे रसल की तूफानी ताबड़तोड़ पारी। रसल ने आते ही मार्कंडे को एक ओवर में 3 छक्के लगाया, जिसमें से एक तो 102 मीटर का बहुत बड़ा लंबा छक्का था। बस 20 गेंदों पर रसल ने अर्धशतक पूरा किया। 7 छक्के और 3 चौके के मदद से 64 रन बनाया और टीम को भी एक मजबूत और पहाड़ जैसे स्कोर बनाने में मदद किया। 20 ओवर में KKR ने बनाए 208 रन और SRH के सामने रखा 209 रनों की एक बहुत बड़ा चुनौती। SRH की ओर से दोस्तों 208 रनों की पीछा करने उतरे मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा। आते ही मयंक ने आक्रामक बल्लेबाजी की। पहले ओवर में SRH ने 12 रन बनाए। मयंक ने आक्रामक बल्लेबाजी के चलते SRH ने 4 ओवर में 40 रन बना डाले, जिसमें से मयंक ने 29 और अभिषेक शर्मा ने 6 रन बनाए थे। फिर छठे ओवर के तीसरे गेंद पर मयंक ने 21 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। पावर प्ले खत्म होते होते SRH ने 1 विकेट गवाकर 65 रन जुड़ा लिए थे। फिर 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा भी रसल के गेंदों पर अपना विकेट गवा बैठे। हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़ा ताबड़तोड़ पारी खेली। 19 गेंदों में 32 रनों की एक बहुत ही ताबड़तोड़ पारी खेली अभिषेक शर्मा ने। और 10वें ओवर की पारी समाप्त के बाद SRH ने बना डाली 2 विकेट गवाकर 69 रन, जिसमें से राहुल त्रिपाठी और एडन माक्रम एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 12वें ओवर में माक्रम अपना विकेट गवा बैठे। फिर 13वें ओवर के 5वें गेंद पर त्रिपाठी भी 20 ओवर में 20 बनाकर चल बैठे। उसके बाद हेनरिक क्लासन ने पारी को संभाला, लेकिन 17वें ओवर में अब्दुल सामद भी अपना साथ छोड़ दिया। क्लासन ने धमाकेदार पारी खेलते हुए 25 गेंदों पे अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन साथी प्लेयर कोई भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए था 13 रन। हर्षित राणा के पहले ही गेंद पर क्लासन ने लगाया एक बहुत बड़ा छक्का और नेक्स्ट बॉल सिंगल। तीसरे गेंद पर शहबाज अहमद आए स्ट्राइक पे और उन्होंने कैच आउट होकर गवा बैठे अपना विकेट। फिर चौथे गेंद पर एक सिंगल आया, फिर क्लासन आए स्ट्राइक पे। पांचवें गेंद पर उन्होंने कैच आउट हो गए और अंतिम गेंद पर टीम को चाहिए थे 5 रन। स्ट्राइक पर थे पैट कमिंस। दोस्तों पैट कमिंस अपने टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए। अंतिम गेंद दोस्तों डॉट हुआ और KKR ने 4 रनों से ये जीत अपने नाम कर लिया। तो इसी प्रकार से दोस्तों एक बहुत बड़ा मुकाबला का अंत हुआ, जहां पर KKR ने 208 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों SRH भी इस बड़े टोटल का पीछा करते करते कुछ सेंटीमीटर से चूक गए। दोस्तों आपको आज का मुकाबला कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर देना। और IPL से जुड़े हर छोटे मोटे अपडेट्स और हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल क्रिकेट न्यूज अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना।